हमारे नाम को लेके ससुर एक बार सीबीआई जांच लगवा दिया सुश्रत ने करके कि सर आप डिबेट में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो बैठेगा वो हमारा आदमी है और जो उसको चुप कराएगा वो भी हमारा ही आदमी है, आप बोलिएगा हम उसके माइक का आवाज धीमा कर देंगे, वो चिल्लाएगा उसको पता चलेगा कि सुना जरा। हम कहे कि वाह रे भाई वाह। देखिए ध्यान दीजिए, ईसाई अपने धर्म को लेकर कितना समर्पित हैं कि ईसाइयों ने क्या किया, जो ईसाई का सबसे बड़ा एरिया था उसका नाम था वेटिकन सिटी। तो आपको याद समझिए, आप कितने भी बड़े हो जाएंगे इस देश में राष्ट्रपति से नीचे ही रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पे संविधानों अच्छा से लागू नहीं होता, नहीं लागू होता, उसके ऊपर मर्डर कर देगा, मुकदमे नहीं चला सकता, क्या फायदा होगा चला के, 10 साल मुकदमा चलाएगा, लिख देगा कि मैं अपनी सजा माफ करता हूँ कोई फायदा होगा उसमें मुकदमा चला के? हाँ, कोई फायदा ना होने वाला। तो संविधान में पहले ही कह दिया कि काय लिए टाइम पास कर रहा है, मत चला उसमें मुकदमा वहां पर। हाँ, पद से हटेगा तो दीवानी मुकदमा चला सकते, पद से हटने के तो पद पे रहेगा तो कौन फायदा है आपको मुकदमा चला के, रद्द कर देगा वहां पर। तो कोई भी आदमी जो होता है ना राष्ट्रपति के नीचे ही रहते। अब ये लोग अपने धर्म को लेकर इतने समर्पित कि वेटिकन सिटी में पोप रहते हैं सब, पोप, बड़का फादर को क्या कहा जाता है, पोप। ओ माई गॉड, ये बोला समझा क्या, फादर। और जो महिला रहती है उनको नन, महिला को क्या कहा जाता है, नन, नन, समझा क्या कि नहीं क्या। तो यहाँ ज्यादातर पोप रहते थे लोग, तो उसने देखा कि सबसे बड़े धर्म गुरु हैं और ये हमारे राष्ट्रपति के अंडर में है। इन लोगों ने अपना यूनियन बना के यूरोप वालों ने कहा कि इसको अलग देश से घोषित कर दो, अलग देश घोषित कर दिया, और जो फादर वहां आएगा जो सबसे बड़ा फादर है वो ऑटोमेटिक उस देश का राष्ट्रपति हो जाएगा, समझ में आ गया। तो वो छोटा सा शहर है, वो शहर नहीं बल्कि गिरजाघर है, बड़ा सा गिरजाघर है, वहां केवल कौन रहते हैं लोग, पोप, कौन रहते हैं, पोप। दुनिया के हर देश के जितने बड़े बड़े पोप रहेंगे वो कहां जाएंगे, वेटिकन, और उनमें इलेक्ट होंगे जो सबसे सीनियर रहेंगे, और उनको पोप फ्रांसिस है। पोप फ्रांसिस मीडिया में क्या बोलेंगे, 40 लोगों का समूह है जो उनका मीडिया सलाहकार है, वो जब सलाह देगा पूरा नाप तोल के कि इसका इस देश पर क्या असर पड़ेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तब वो बात बोलेंगे। और हमारे यहाँ कुछ बोल दो, जो मन है वो बोल दो, समाज में आग लगे जहर हो गए, अब बाकी का काम मीडिया कर देती है। यकीन मानिए मीडिया में जो लोग बुलाए जाते हैं वो आम इंसान नहीं होते, क्योंकि भारत का आम इंसान इतना जहर उगल ही नहीं सकता है, थोड़ी तो इंसानियत रहेगी उसको, उसे जानबूझ के पैसे देके बुलवाया जाता है कि ये जहर फेंको, वरना आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप कैमरा के आगे अपना परिचय नहीं दे पाएंगे अच्छा से। अगर कैमरा लगा दिया जाए, कह दिया जाए अपना परिचय दे दीजिए, तो आप अच्छा से परिचय नहीं दे पाइएगा। आप इसको कभी फील कीजिएगा, यहाँ पर वो टीवी पे बैठ के जिसे पूरा भारत देखता है जहर उगलते हैं सब, ये पेड होते हैं, पैसा से पेड, यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब फिक्सिंग होता है। हम कभी कभी जो होता है ठोकर लगना भी अच्छी बात है। हमारे नाम को लेके ससुर एक बार सीबीआई जांच लगवा दिया ससुरत ने, क्या मतलब पूरा का पूरा पीछे पड़ गया था। उसी में एक हमको मीडिया वाला बोला था कि सर आप डिबेट में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो बैठेगा वो हमारा आदमी है और जो उसको चुप कराएगा वो भी हमारा ही आदमी है, आप बोलिएगा हम उसके माइक का आवाज धीमा कर देंगे, वो चिल्लाएगा उसको पता चलेगा कि सुना जरा। हम कहे कि वाह रे भाई वाह, गजब बात है यहाँ पर, समझ में आ गया। पहले से क्या रहता है, आप देखिएगा जो चिल्लाएगा उसका वजिया तेज रहेगा, और जिसका धीमा करना चुपचाप रेगुलेटर रहता है धीमे कर दिए, जा चिल्लाते रहो, चिल्लाओ सुशात में, जाए यहाँ पर आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना, बताइए। वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी, यहाँ पे केवल कौन रहते हैं लोग, पोप, क्या रहते हैं, पोप, पोप फ्रांसिस हैं, अभी वो इस देश के नहीं अर्जेंटीना के हैं, और अभी यहाँ पे हैं, बाद में इनके जगह पे कोई और आएगा तो समझेंगे लोग। तो ये अब नीचे वाला देश है, एक द्वीप मिलेगा सिसिली, सिसिली किसका है, इटली का, सिसिली किसका है, इटली, मिल गया कौन सा द्वीप है, सिसिली द्वीप, वहाँ ज्वालामुखी का नाम है सिसिली, सिसिली स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, क्या नाम है, इससे रात भर भड़कते रहता है, दिन रात धाम धाम भड़कते रहता है, उसमें से आग निकलते रहता है। तो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सिसिली द्वीप का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये बताइए रात में कहीं आग लगेगा तो रोशनी होगा कि नहीं, इस भूमध्य सागर में रोशनी का एकमात्र स्रोत कौन है, सिसिली ज्वाला, इसलिए सिसिली द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।